हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बारे में और देखेंगे कि इसके थ्रू हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम दो टाइप से निकालते हैं, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप से। ठीक है, किसी क्वेश्चन में बस लेस देन टाइप ही पूछा जाता है कि इसके थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो देन मीडियन फाइंड आउट करो, और किसी में मोर देन टाइप पूछा जाता है या किसी क्वेश्चन में दोनों भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों ही लेंगे, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। तो दोस्तों, सीएफ निकालते हैं हम लेस देन एंड मोर देन टाइप से और आपको बताते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, आई कैन एक्सप्लेन यू ये कैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, डोंट वरी। सो बेसिकली इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासेस दे रखे थे और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लासेस का एक कॉलम बनाया, फ्रीक्वेंसी के लिए एक कॉलम बनाया। बेसिकली फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म में हम FI लिखते हैं। उसके बाद लेस देन टाइप एक कॉलम बनाया, और लेस देन टाइप के थ्रू हम जो CF निकालेंगे उसके लिए कॉलम बनाया। मोर देन टाइप का एक कॉलम बनाया और उसके लिए जो हम CF निकालेंगे उसके लिए कॉलम बनाया। सिंपल, क्लास जो हमें मैंशन थी क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। देन उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया टोटल 25। इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारा जो आया टोटल फ्रीक्वेंसी वो है हमारा 25। उसके बाद लेस देन 40। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास के अंदर इसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, ये ग्रुप में है ना, 30-40, इसके बीच में कुछ नंबर्स होंगे, है ना, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अगर ये सिंगल डिजिट होगा, लाइक 30-40, क्लास जो होता है ना सिंगल डिजिट वाले, 30-40-50, अगर यहाँ पे ये नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है, ये हमारा ग्रुप डेटा है। अब इसके बाद लेस देन टाइप। ठीक है, तो 30-40, तो 40 से नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 40 के नीचे 2 फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली 30-40 के अंदर लाई कर रही है ना ये 2, है ना, ये इसके अंदर में आ रहा है 2, 30-40 के बीच में। तो लेस देन 40 कितना है, तो 2 है। ठीक है, उसके बाद लेस देन 50 कितना है, तो ऐड कर देंगे इसको हम, 3 और 2 5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही लेस देन 60, 60 से लेस देन कितना है, तो फर्दर अब ऐड कर देंगे, 2 3 5 5 और 5 10 10। ठीक है, ऐसे ही लेस देन 70 के लिए 2 3 2 3 5 5 5 10 10 और 7 17 17। यहाँ लिख लिया 17। ऐसे ही 80 के लिए सो ऑन 23, और 90 के लिए 23 प्लस 2 25। ये हमारा लेस देन टाइप के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल गया। CF हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाता है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। उसके बाद हमारा मोर देन टाइप। ठीक है, अब मोर देन टाइप में क्या है, सेम वैसे ही है, जस्ट इसके अंदर टोटल से माइनस होता है। देख लेते हैं कैसे। मोर देन टाइप, तो अभी हमने क्या किया, लेस देन टाइप में ये वाले कॉलम यूज किया था, 40 50 60 70 80 90। मोर देन टाइप में हम ये वाला कॉलम यूज करेंगे, 30 40 50 60, ये वाला। ठीक है, अब मोर देन टाइप, मोर देन 30, तो मोर देन 30 यहाँ पे टोटल 25, मतलब 30 से मोर देन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ले लेंगे 25 है। देन मोर देन 40, तो मोर देन 40 में 25 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 23। ठीक है, इजी है। उसके बाद मोर देन 50 कितना है, तो 23 माइनस 3, आ गया 20। ठीक है, ऐसे ही मोर देन 60 कितना है, तो 20 माइनस 5, आ गया 15। ऐसे ही मोर देन 70, तो 15 माइनस 7, आ गया 8। ऐसे ही मोर देन 70, तो 8
8 माइनस 6 आगे 2, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे, यहां पे हमने ऐड किया था, यहां पे हमने सबट्रैक्ट किया। और ये ध्यान रखिएगा, जब ये आप ऐड करेंगे तो लास्ट में जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 25, उसके यहाँ पे लास्ट वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी आनी चाहिए। तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों से हमने सीएफ फाइंड आउट कर लिया। नाउ सो दोस्तों, अभी हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया, अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेस देन टाइप के लिए करेंगे। तो देखते हैं, जब लेस देन 40 था तो इसका सी एफ था 2, ठीक है। तो लेस देन 40 था तो सी एफ था 2 कुछ यहाँ पे आएगा अपना। आप ग्राफ में करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मैं पेज में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 50, लेस देन 50 पे 5, तो 50 पे 5 समथिंग यहाँ पे। फिर लेस देन 60 पे 10, लेस देन 60 पे 10। नाउ लेस देन 70 पे 17, 70 पे 17। लेस देन 80 पे 23, लेस देन 80 पे 23 समवेयर यहाँ पे। और लेस देन 90 पे 25, लेस देन 90 पे 25 यहाँ पे। नाउ इसे मिला लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके लिए करेंगे मोर देन टाइप वाला जो हमारा कॉलम था, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मोर देन 30, मोर देन 30 पे 25 कहाँ पे, ये रहा, मोर देन 30 पे 25, मोर देन 40 पे 23, मोर देन 40 पे 23, मोर देन 50 पे 20, मोर देन 50 पे 20, मोर देन 60 पे 15, मोर देन 60 पे ये आ गया हमारा 15, मोर देन 70 पे 8, मोर देन 70 पे हमारा आ गया यहाँ पे 8, मोर देन 80 पे 2, मोर देन 80 पे ये आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसको भी हम मिला लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम नीचे प्लॉट करेंगे लाइन, और ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा मीडियन समवेयर अप्रोक्स 65 अप्रोक्स, ठीक है। देयरफॉर मीडियन जो हमारा निकला वो कितना निकला, 65, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैलकुलेट कैसे करें मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप की हेल्प से, ठीक है। और इस ग्राफ को, प्लॉटिंग को हम ओजाइव भी कहते हैं। सो आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे चैनल से और बेनिफिट मिल सके उन्हें। एंड प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच गाइज़।